हेलो, नमस्ते, आदाब, अर्ज है और आज हम बात करने वाले हैं हिट द फर्स्ट केस मूवी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हिट द फर्स्ट केस इज अ सस्पेंस थ्रिलर एंड अ रीमेक ऑफ अ तेलुगु फिल्म बाय द सेम नेम। उस मूवी की काफ़ी तारीफें सुनी थी मैंने। आइए बात करते हैं कि इस मूवी में क्या हुआ। इस मूवी को लीड कर रहे हैं राजकुमार राव, जो कि विक्रम है, एक कॉप who because of his past life and incidences suffers through PTSD chronic wala and at the same time he is also handling a very critical case of a missing girl. इस केस को इन्वेस्टिगेट करते वक्त ये केस उनकी पर्सनल लाइफ से भी किसी तरह से जुड़ जाता है। इससे ज़्यादा मैं स्टोरी अनरावल करूँगी तो आपको सब पता चल जाएगा, ये एक स्पॉइलर वीडियो हो जाएगा, इसलिए चलिए स्टोरी यहीं स्टॉप करते हैं और फिल्म कैसी है इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। अच्छा, सो लेट लतीफ़ लोगों, पहले ही सुन लो, फर्स्ट सीन बहुत इम्पैक्टफुल है, सो टाइम पे थिएटर पहुँच जाना अगर आप देखने जा रहे हो। राजकुमार राव एज यूजुअल एक्टिंग में महारथी, पूरी मूवी को अपने स्ट्रॉन्ग कंधों पे लेते हुए चलते हैं क्योंकि बाकी एक्टर्स का रोल बहुत छोटा छोटा है। एक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। राजकुमार राव, जैसा कि मैंने बोला, सानिया मल्होत्रा, मिलिंद गुनाजी, दिलीप ताहिल, शिल्पा शुक्ला, जतिन गोस्वामी फ्रॉम द ग्रेट इंडियन मर्डर फेम एंड रोज खान। सो हैप्पी टू सी हर प्लेइंग अ रोल इन अ मेन स्ट्रीम मूवी। शी यूज्ड टू बी अ वेरी पॉपुलर फेस इन द अर्स्टवाइल क्राइम पेट्रोल। खैर, कमिंग बैक टू द मूवी, इसमें संजय नार्वेकर और अखिल अय्यर भी हैं। सारे एक्टर्स ने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा काम किया है, कुछ जगहों को छोड़ के जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वेल, इट इज़ रिटन एंड डायरेक्टेड बाय शैलेश कोलानू, जिन्होंने तेलुगु वाली मूवी भी लिखी थी एंड जहाँ तक मुझे याद है द तेलुगु मूवी वॉज एक्चुअली क्वाइट गुड, नॉट दैट बैड, बट समहाउ इस मूवी में कुछ तो गड़बड़ हो गई। इस मूवी के एडिटर को ढूंढना पड़ेगा भाई। वाह, क्या कमाल का काम किया। ऐसा लग रहा था कि ये मूवी फोन पे किसी फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर से जंप कट्स कर करके एडिट की गई है। मतलब पीपीटी में जैसे ट्रांजिशंस होते हैं ना, वैसे ट्रांजिशंस थे कई जगहों पे। सेकेंड हाफ मूवी का काफी स्ट्रेच था, उसको और छोटा किया जा सकता था आराम से। ऑल्सो, इस मूवी पे जाने से पहले मैंने पढ़ा था एंड सुना था कि तेलुगु मूवी से थोड़ा ट्वीक करके, डिफरेंट करके हिंदी मूवी बनाई गई है। कहीं इन ट्वीक्स की वजह से ही तो नहीं है बेकार हुई। आई हैव पर्सनली नॉट सीन द तेलुगु मूवी बट आई विश टू नाउ जस्ट टू सी कि इतना क्या खराब हो गया यार। सबसे बड़ी बात, जब आप किसी अच्छे क्लाइमैक्स के लिए किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी को बिल्डअप करते हैं शुरुआत से, तो उसका जो क्लाइमैक्स सीन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। ऑडियंसिस को हमेशा याद रहता है, अपने घर जाने तक क्या, आगे की जेनरेशंस तक याद है। मूवीज लाइक गुप्त, क्या क्लाइमैक्स था। एंड यही ये मूवी बहुत बड़ी तरीके से फॉल्टर करती है। अब बिल्डअप तो आपने काफ़ी अच्छा कर लिया, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स भी दे दिए, बट जो क्लाइमैक्स था उसको ऐसे जल्दी जल्दी से रैप अप कर दिया। मतलब आपने केक अच्छा बनाया बट उसकी पैकेजिंग ढंग से नहीं की, तो घर जाने तक तो वो एकदम खिचड़ी बन जाएगा ना। आई पर्सनली लव सस्पेंस थ्रिलर मूवीज एंड इवन अगर मूवी इधर उधर थोड़ी 19-20 होती है तो मैं उसको चांस ज़रूर देती हूँ क्योंकि मुझे क्लाइमैक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। बट इस मूवी के क्लाइमैक्स ने डिसअपॉइंट कर दिया। यू नो, जैसे बिरयानी के अंदर जो अनियंस ब्राउन किए हुए होते हैं वो एक अलग फ्लेवर डाल के बिरयानी को एकदम महका देते हैं, ऐसा ही काम करता है एक सस्पेंस थ्रिलर में उसका बैकग्राउंड म्यूजिक। इस मूवी में बिग मिसिंग फैक्टर वॉज अ गुड बैकग्राउंड म्यूजिक। नाउ देयर इज वन अरिजीत सिंह का सॉन्ग विच इज कितनी हंसी होगी, विच स्टार्ट्स विद द वर्ड मुस्कुराहटे, समथिंग लाइक दैट। बट जैसे ही वो शुरू हुआ मुस्कुराहटे एंड फ्रेम में थे राजकुमार राव, सडनली मुझे मुस्कुराने की वजह तुम हो फ्रॉम सिटी लाइट्स याद आ गया। मुस्कुराहट या नमी, मुस्कुराने
इसलिए वो गाना और इस मूवी का पूरा म्यूजिक मुझे ऐसा लगा कि इधर उधर से सब जगह से जोड़ जोड़ के वो म्यूजिक बना दिया गया है. सो राजकुमार राव फैंस एंड पीपल हु लाइक सस्पेंस थ्रिलर मूवीज कैन गो एंड वॉच इट वंस, मे बी इफ दे जस्ट वॉन्ट गो आउट फॉर द वीकेंड. But otherwise, I would suggest you can wait and let it come on OTT and watch it आराम से अपने घर पे जब भी ये OTT पे आए. Save your money for better movies coming up. Also, इस movie का second part आने के chances हैं and hopefully, fingers crossed, इस team को वो थोड़ा better करें, editor को change करें completely and direction को much 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 better करके script writing को भी थोड़ा tight कर दें तो maybe hit the second case अच्छी बने. So, hit for me is not a hit, it's a miss. And it's another case of जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है कि आप अच्छे अच्छे एक्टर्स का ensemble ले लो तो कास्ट को देखते ही लोग तो आ ही जाएंगे इस मूवी को देखने के लिए, बट देन यू डोंट पे अटेंशन ऑन द स्क्रिप्ट, ऑन द डायरेक्शन, ऑन द एडिटिंग एंड नथिंग. सिर्फ एक्टर्स मूवी को आगे लेके नहीं जा सकते. सो दिस वॉज ऑल अबाउट हिट द फर्स्ट केस. राजकुमार राव शाइन्स, द मूवी अनफॉर्चुनेटली डजंट. If you like this video or you don't like it, do mention in the comments, hit the like button and subscribe to my channel Mini Talkies. Also, bell icon ko press kar dena jisse aage aane wale videos ke bare mein pata chal jaye. And do share this video with your friends, family, social media, girlfriends, boyfriends, ex-boyfriends, ex-girlfriends, sab ke saath share kar do. Until the next video, see ya!